सो टुडेज टॉपिक इज अर्ली चाइल्डहुड केरीज। तो इसके बहुत सारे नाम है, आपको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं, अलग अलग जगह पे इसके कुछ भी डिटेल्स लिखे हुए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीजें एक ही चीज है। तो क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केरीज, बेबी बॉटल टू डिके, नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम, या फिर मिल्क बॉटल सिंड्रोम, या फिर नर्सिंग बॉटल केरीज। तो ये सारे एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिकेड कैविटेटेड और नॉन कैविटेटेड मिसिंग ड्यू टू केरीज और फिल्ड टूथ इन एनी ऑफ द प्राइमरी टीथ इन द चाइल्ड ऑफ 70 मंथ्स ऑफ एज और यंगर। तो 70 मंथ्स हमारे कितने हो गए, अप्रोक्स 5 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। तो इस टाइम के ड्यूरेशन में किसी भी बच्चे के मुंह में जो केरीज दिखती है हमें, तो हम उसको अर्ली चाइल्डहुड केरीज की कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। तो इसको ना एक अलग नाम भी दिया गया है, MDSMD। व्हाट इज दिस, मैटरनली ड्राइव्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस डिसीज। तो ये बहुत बड़ा शॉर्ट नोट इस नाम से भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार नया डिसीज ये आ गई है, अब कैसे इसको हम लिखे। तो इसमें आपको यही सारी डिटेल्स लिखनी है। तो मेनली इनके ये कैसे हो जाती है, क्या हम पेरेंट्स परेशान रहते हैं, सारे दांत जड़े जा रहे हैं, कुछ ऐसा खाता भी नहीं है, चॉकलेट्स भी नहीं खाता, और प्रॉपर हम क्लीनिंग कर रहे हैं तब भी नहीं जाता। तो इसके मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, मदर उनको फीड कराती है या फिर बॉटल से मिल्क पिलाती है, तो रात को सोते टाइम मुंह में लगा दी बॉटल और सला दिया, पेरेंट्स को उसकी बच्चा अपना मिल्क पी रहा है और फिर सो गया। तो ये गलत है बहुत। उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने का और डिके करने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो हमेशा नाइट के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, स्लीपिंग टाइम पे वी कैन कॉल इट। तो ये सारी चीजें हम इसको छोटे छोटे प्रिवेंटिव मेजर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल करती हूँ कि इटियोलॉजी हमारी इसकी क्या क्या हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इटियोलॉजी जो है वो है फीडिंग बियॉन्ड द वीनिंग एज। वीनिंग एज क्या, जब तक हम बॉटल से फीड करा रहे हैं, उसके बाद वाली मतलब ये कह सकते हैं कि जब बच्चे का 12 मंथ्स टू 13 मंथ्स होता है, मतलब जब फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट होता है, तो तब तक वो बॉटल से लेता है, तो उस एज को हम वीनिंग एज बोलते हैं। उसके बाद भी यदि वो बॉटल यूज कर रहा है तो ये गलत है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे प्रॉपरली टूथ जो है इरप्ट होने लगते हैं, प्राइमरी टीथ, तो उसमें डिके होना शुरू हो जाता है। तो हमें उस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे को एक साल के बाद हैबिट देनी चाहिए कि कब से लो आप, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हाउस होल्ड जो होता है, तो बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इतना स्ट्रेस रहता है, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, तो उस कंडीशन में भी बहुत पेशेंट्स में ये केरीज मिलती है, ठीक है। रात के टाइम पे दूध की बॉटल लगा के छोड़ देना, या फिर रात के टाइम पे जूस या फिर कोई भी जो स्वीटेंड बेवरेज है वो बच्चे को मिल्क बॉटल में डालकर पिला रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में भी डिके हो जाता है। या फिर हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिसमें पेरेंट्स जो है अपने कामों में इतना, अपनी एक्टिविटीज में इतना बिजी है, और घर पे जो मेट्स है वो बच्चे को संभाल रही है, वो प्रॉपर बच्चे की केयर नहीं कर पा रही, उसके दांतों की केयर नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में भी केरीज हो जाती है। या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चे को घर पे जो सिबलिंग्स है वो देख रहे हैं और उसकी केयर नहीं हो पा रही, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड है, तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर उसको केयर नहीं हो रही, और वहां पर डिक्रीज सेलिवरी फ्लूड रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वॉशिंग नहीं होती और दांत हमारे खराब हो जाते हैं बच्चे के। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर है, बच्चा टाइम टू टाइम या तो ज्यादा सो रहा है या कम सो रहा है, या फिर अलग अलग टाइम पे सो रहा है, तो ये पता नहीं, उस टाइम पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही और डिके हो जाता है। तो ये सारे इसकी इटियोलॉजी हो गई कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से कैविटीज हो रही है, ये कोई भी फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, जैम्स हो सकते हैं, या फिर जो पेसिफायर जिसमें जैम या फिर हनी रहता है वो भी कॉज कर सकता है, क्योंकि मुंह में बहुत देर तक लगा रहता है, और कोई भी सिरपी मेडिकेशन है वो भी ये कॉज कर सकता है, या फिर कोई भी स्वीटेंड बेवरेज है। तो ये सारे हो गए कि जो फूड इंटेक्स है जो बच्चा लेता है, तो
उस कंडीशन में ये कैविटीज कॉज. सो नाउ कम टू द पैटर्न ऑफ द डिके. तो पैटर्न ऑफ डिके में क्या रहता है कि सबसे पहले तो हमारे बच्चे की जो मैक्सिलरी इंसाइजर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. उसका लेबियल सरफेस, मेजर सरफेस, डिस्टल एंड पैलेटल सारे सरफेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो डिके हो जाते हैं. जब उसकी इंटेंसिटी और बढ़ती है कि केरीज और भी ज्यादा डिके हो रहा है तो सर्वाइकल रीजन इन्वॉल्व होता है जो कि वहां पर बरोइंग टाइप होता है. दिखने से लगेगा कि जैसे गड्ढा खोद रहा है उस टाइप से बरोइंग टाइप रहता है. देन उसके बाद पोस्टीरियर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैक्सिलरी एंड देन मैंडिबुलर. तो ये इसका पैटर्न रहा. जो लोअर एंटीरियर्स होते हैं वो सेफ रहते हैं क्योंकि वहां पर हमारे सेलेब्री ग्लैंड्स की डक्ट्स ओपन होती हैं तो प्रॉपर वहां पे सेलेब्री फ्लो जो होता है तो उससे वो वॉश आउट होता रहता है जो भी वहां पर डिपोजिशन है या फिर डिकेड है. और जो सिलाइवा है उसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट की क्वांटिटी थोड़ा अच्छा रहता है तो वहां पर यदि डिके होता भी है तो रीमिनरलाइजेशन टाइम टू टाइम हो जाता है तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सेफ रहते हैं. तो अब ये तो हमारा हो गया पैटर्न ऑफ डिके. अब हम ये क्लिनिकली कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्लिनिकल पैटर्न ऑफ द डिके. तो इनिशियली क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है. 10 to 12 months तक इसको हम जब देखते हैं तो उसमें मैक्सिलरी एंटीरियर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि ओपेक वाइट डीमिनरलाइजेशन जैसी लेयर रहती है और वहां पे दिखने से ये क्लिनिक में हम जब एयर ब्लो करेंगे उस पर थोड़ा ड्राई करके तो साफ दिखता है चौकी वाइट अपीयरेंस. तो दैट इज द इनिशियल फेज. देन उसके बाद क्या होता है, डैमेज कंडीशन, दैट इज अ केरियस वन. तो ये 16 to 12 months में दिखता है और मैक्सिलरी एंटीरियर्स के जो कंडीशन होती है वो येलो ब्राउन डिस्कलरेशन रहता है और मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर जो है उसमें थोड़ी सी इनिशियल कैविटीज स्टार्ट हो जाती है और बच्चे को थोड़ा हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी फील होने लगती है. नाउ द नेक्स्ट वन फिर आता है उसकी कंडीशन डीप लीजन्स. डीप लीजन्स होने लगते हैं 20 to 36 months. उसमें मैक्सिलरी एंटीरियर्स जो है उसमें पल्पल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. बच्चे को कभी कभी दर्द होता है, खाने में भी दर्द. इस कंडीशन में जो मैंने सेकंड वाली कैटेगरी बताई उसमें मैक्सिलरी मोलर्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट मोलर्स. और जो डीप लीजन्स वाली कंडीशन में क्या होता है कि मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर्स इन्वॉल्व होने लगते हैं तो उसमें कैविटीज थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगती है. नेक्स्ट कंडीशन आती है ट्रोमेटिक. उसमें क्या होता है 30 to 48 months में ये ऑब्जर्व होती है और मैक्सिलरी एंटीरियर जो है उसमें मोस्ट ऑफ द टूथ पार्ट जो क्राउन पार्ट है वो खराब हो जाता है और पेशेंट को उसमें दर्द होता है. और अपर फर्स्ट मोलर्स में डीप लीजन हो जाता है और लोअर फर्स्ट मोलर्स में जो है वो डैमेज स्टेट में रहता है. तो ये मैंने एक क्लिनिकल पैटर्न बताया आपको. अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. जो हमारे AAPD जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं तो हमें फॉलो करने चाहिए. तो सबसे पहले ये बताया है कि रात को कभी भी बॉटल लगा के नहीं छोड़नी चाहिए बच्चे की. और ब्रेस्ट फीड जो कराती हैं मदर्स तो रात के टाइम नहीं कराना चाहिए सोने से पहले. यदि करवा भी रहे हैं तो उसके बाद आपको प्रॉपर उसको क्लीनिंग करनी चाहिए. और जैसे ही ओरल कैविटी में फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है ये मान के चलिए आप उसको प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत है. तो प्रॉपर उसको क्लीन करेंगे कैसे भी, चाहे वो आपको छोटा सा ब्रश ले लें या फिर एक छोटे से ब्रश आते हैं जो बच्चा खुद नहीं कर पाता तो आप फिंगर में लगाते हैं उससे उसको क्लीन कर देते हैं. तो और गम्स को भी क्लीन करना चाहिए. लेकिन फर्स्ट टूथ इरप्ट जब होता है माउथ ओरल कैविटी में तो तब से उसकी प्रॉपर केयर हमें करनी चाहिए. तो नेक्स्ट आता है कि जो रिकमेंडेशन है उसमें उन्होंने बताया है कि आफ्टर द वीनिंग एज, मतलब फर्स्ट बर्थडे उसका है उसके बाद हम उसको ट्रेन करना चाहिए कि अब बॉटल से नहीं, अब आपको कप से मग यूज करना है कुछ भी पीने के लिए खाने के लिए. और प्रॉपर ब्रशिंग करने के लिए क्लीनिंग शुड बी प्रॉपर. एंड हर 6 महीने में डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए कि हमें प्रॉपर उसके लिए गाइडेंस लेनी चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम है तो हम आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. क्योंकि बहुत सारी जो पुराने जमाने की बातें चली आ रही हैं, अरे ये मत करो वो मत करो, नहीं, प्रॉपर आपको डेंटिस्ट को फॉलो अप करना चाहिए ताकि वो आपको गाइड करे कि पैटर्न ऑफ इरप्शन ठीक है, अब ये जरूरत है, अब ये जरूरत नहीं है. तो हर चीज के लिए आपको हर 6 महीने एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए. था छोटा सा डिस्कशन अबाउट द प्रिवेंशन. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द मैनेजमेंट. यदि कैविटीज हो गई हैं और हमें पता चल चुका है तो उसको अब हम कैसे क्योर कर सकते हैं. सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द हैबिट. तो सबसे पहले हम बच्चे की एब्रप्टली हम कोई भी चीज हैबिट नहीं छुड़ा सकते तो हम इसको टेपर की फॉर्म में कर सकते हैं. पहले ज्यादा कम कम कम. तो फर्स्ट वीक में हम उसके हैबिट छुड़ाएंगे कि 50% उसको जैसे फुल टाइम वो मिल्क बॉटल यूज करता था, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम करके उसको कि 2 टाइम में से 1 टाइम हम बॉटल दे रहे हैं, 8 टाइम पे कप दे रहे हैं. तो धीरे धीरे करके पहले 50% हैबिट को रिड्यूस करेंगे, देन 20%, देन 10%, देन 0.
तो इसी तरीके से उसको हैबिट होगी। और जब नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, जो भी वो मिल्क ले रहा है या जो भी चीज ले रहा है उसकी हम डाइल्यूशन करते जाए, एंड पे आते आते वो मिल्क से वाटर पे आ जाए, तो उसे वाटर पीने के लिए वाटर यूज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हम उसकी हैबिट को छुड़वा सकते हैं। और नाइट जो फीडिंग है वो स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करनी चाहिए, ब्रशिंग प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, और कंजप्शन ऑफ द जूसेस स्पेशली शुड बी अवॉइडेड बाय द वॉटर फीड। एंड दूसरा आया कि जो डाइट्री मॉडिफिकेशन है हमें वो भी करने चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्वीट चीजें हैं उसको थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, और फ्रूट्स देने चाहिए बहुत, और ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए। और नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेस्टोरेटिव प्रोसीजर, जहां पे हमें रेस्टोरेशन की जरूरत है कि कोई छोटी कैविटी है तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और वहां पे फिलिंग करा लेनी चाहिए। तो फिलिंग हम किस किस चीजों से हम कर सकते हैं, GIC यूज कर सकते हैं, अमलगम यूज कर सकते हैं, और हमारा कॉम्पोजिट जो भी रिक्वायर्ड है बेस्ट हम उसको यूज कर सकते हैं इनकी कैविटी रेस्टोरेशन के लिए। इन केस यदि पेशेंट को बच्चे को दर्द होने लगा या फिर डीप केरीज है, तो उस कंडीशन में यदि हमें जरूरत पड़ती है तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, जो भी पल्पल प्रोसीजर्स हैं, डायरेक्ट पल्प कैपिंग हो गई हमारी, पल्पोटमी हो गई, पल्पेक्टमी हो गई, तो ये सारी जहां जहां पर रिक्वायर्ड है तो हम इनको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और जो बहुत बार क्या होता है, हमें पता चलता है कि फ्लोराइड की कमी है, तो वहां फ्लोराइड सप्लीमेंट्स भी उसको दे सकते हैं, पर ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं सबको डेंटिस्ट करेगा, ये तो सिर्फ एक गाइडेंस है आपके लिए। और एक्सट्रैक्शन को हमें बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, यदि हमें इनकेस करना भी पड़ रहा है तो हमें वहां पे स्पेस मेंटेनर्स देने चाहिए। और सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेंटल एजुकेशन। तो पेरेंट्स को जो है बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड और आफ्टर बर्थ एक बार डेंटल सर्जन से एक बार कंसल्ट करने चाहिए और प्रॉपर डेंटल एजुकेशन लेने चाहिए कि हमें इसकी कैसे केयर करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सो दैट की कोई प्रॉब्लम आए ना, प्रॉब्लम आती है तो उसकी क्या क्या क्योर्स है। तो आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो में सारा सब कुछ समझ में आया होगा, या कोई भी क्वेरी तो प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।